चार दिनों से लापता बरारी की रहने वाली 16 वर्षीय छात्रा मंतासा अजमेरी का शव पोस्टमार्टम से आते ही मचा कोहराम। आक्रोशित होकर बरारी के ग्रामीणों ने जोड़ा पोखर थाना का किया घेराव। वहीं छात्रा का शव रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी की कर रहे हैं मांग। झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग हुआ जाम, वहीं पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर बरसे ग्रामीण। पुलिस प्रशासन हाई हाई के लगा रहे हैं नारे। वहीं जोड़ा पोखर थाना प्रभारी को निलंबित करने की कर रहे हैं मांग। अभी थाना क्या आश्वासन मिला? क्या जी? अभी थाना पहुंचे क्या आश्वासन मिला? जब हम दूसरा दिन जब हम करवाएं पेपर मतलब दिए तो पुलिस क्यों नहीं एक्शन लिया? अगर उसका बेटे के साथ होता तो क्या करता? अभी थाना वाला क्या बोला कि ऐसा डेली डे लड़की मरता है तो हम लोग क्या करें? वो 24 घंटे के बाद 24 घंटे देखा जाता है। जब हम पूरा खोज में अपने रिश्तेदार में आस पड़ोस में तो फिर वो क्यों नहीं लिया एक्शन? उसको लेना चाहिए था। अगर उसी के बेटे के साथ होता तो क्या वो एक्शन नहीं लेता क्या? समय रहते पुलिस एक्शन लेता तो बहना जिंदा रहती। बिल्कुल समय रहते वो अगर पुलिस कार्रवाई करती तो आज ही बच्ची का जिंदगी बचा हुआ होता। क्या नाम हुआ? समझे? मेरी बहन तो इस दुनिया से चली गई है। हमको इंसाफ चाहिए। पैसा कौड़ी नहीं चाहिए। गरीब टूटा मारा हुआ परिवार से नहीं था। आपका नाम क्या? घर में भी बेटी है उसका सुरक्षा। पुलिस प्रशासन थाना का एक स्टाफ हमको कहा कि ऐसा लड़की डेली मरता है तो हम लोग क्या करें? थाना वाला कोई काम करने के लिए तैयार नहीं सोच रहा। हम लोग का सबसे पहला मुद्दा है कि थाना प्रभारी को बर्खास्त करें और लड़की को न्याय चाहिए। जो मुजरिम है उसको अभी तुरंत गिरफ्तार चाहिए। आस पास उसको न्याय चाहिए। हम लोग को पैसा कोई नहीं चाहिए। थाना वाला बोला 10,000 ले लीजिए लाश हटा दीजिए। तो हम लोग एक एक रुपया करके चंदा करेंगे तो 5 लाख होगा उसका। हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। हम लोग जब तक न्याय नहीं मिलेगा एक महीना बैठना पड़े, एक साल बैठना पड़े, हम लोग यहीं रहेंगे। क्या मांग यही है कि कोई भी बड़े अधिकारी आए थाना प्रभारी को बर्खास्त करें और लड़की को न्याय चाहिए। जो मुजरिम है उसको गिरफ्तार करो। सरासर रहता है। तीन दिन से लड़की गायब है। थाना में दिए हैं। थाना वाले बोला अभी नहीं करेंगे। इंक्वायरी के नाम से कुछ नहीं किया। एकदम बच जाती। अगर पुलिस उस टाइम थोड़ा मुस्तैद दिखाती तो बच्ची अभी जिंदा रहती। हम लोग ये सब करने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन 3 दिन से नाबालिग बच्ची है, 14 साल का बच्ची है। बोला कि 24 घंटे के बाद हम रिपोर्ट दर्ज करेंगे। जबकि 24 घंटा हो गया था फिर भी नहीं आया। ट्यूशन मास्टर को उससे अभी तक कुछ टेस्ट नहीं किया। वहाँ 4-5 लड़का गायब है उसको नहीं पकड़ने का कोशिश किया। और अभी हम लोग आए तो बोला कि हमारे पास ड्राइवर नहीं, हम कैसे जाएंगे? बताइए थाना है। हम लोग का भी छोटा छोटा बच्ची है घर में। हम स्कूल भेजते हैं, किसका भरोसे में भेजेंगे? थाना वाला तो हाथ उठा दिया कि हमसे कोई काम होगा नहीं। हम किसके भरोसे में भेजेंगे? हम लोग को सिक्योरिटी चाहिए। अपना बाल बच्चा का सिक्योरिटी दे। थाना बर्खास्त करो। नाम नहीं चला।